पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। जय उत्तराखंड दोस्तों, वैसे मुंडन में आपका स्वागत है। पहाड़ों की आवाज, आपकी अपनी आवाज। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अपने ही लघु उद्योग जो हमारे बंद होते जा रहे हैं, जिससे से हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तानी उद्योग बंद हो रहे हैं, हमारे पहाड़ के भी अपने उद्योग बंद हो रहे हैं। हम रोजगार की बात करते हैं लेकिन हम अपने ही रोजगार को छोड़ते जा रहे हैं। जिस तरह से हम रिवर्स प्लान की बात कर रहे हैं, खेती की बात कर रहे हैं, चिरबंदी की बात कर रहे हैं, स्वरोजगार की बात कर रहे हैं, मत्स्य पालन की बात कर रहे हैं, बकरी पालन की बात करते हैं, उसी तरह से हमारे भी कई ऐसे उत्पाद हैं जिनके लिए हम पूरी सीरीज चलाने वाले हैं आपके लिए। आज हम आपको बताते हैं रिंगवा या रिंगाल, दो शब्द हैं, अलग अलग जगह बोले जा सकते हैं। एक घास टाइप की होती है बड़ी सी। आज आपको दिखा रहे हैं हम बिलकना से, आज हम आपको दिखा रहे हैं बिलकना के धोपरधार बाजार, एक छोटा सा वहाँ पे एक कारीगर है हमारे जो पिछले कई सालों से अपने हाथ से बनाई हुई टोकरियाँ घास के लिए, गोबर के लिए बना रहे हैं। और हम अगर बात करते हैं रिवर्स प्लान की, तो हम ऐसे कारीगरों को, ऐसे काश्तकारों को अगर हम सहयोग नहीं करेंगे तो कैसे ये लोग आगे बढ़ेंगे, कैसे हम अपने ही लोगों को आगे बढ़ाएंगे। हम चाइनीज की बात करते हैं, चाइना कॉर्प की बात करते हैं, हम बाहर के दुनिया भर की चीज़ें, अपने ही जो घरेलू लोहा थे, जो कढ़ाई बनाते थे, उन चीज़ों को छोड़ चुके हैं, तो हमारे यहाँ बेरोजगारी तो होगी ही, जबकि इनसे लाख गुना अच्छे हैं हमारी ये चीज़ें। तो मैं आज आपको पहले आप ये खबर देखिए हमारे दीपक मठाणी की और अंकित कैमरामैन जो हमारे साथ में है, उन्होंने खबर बनाई है, देखिए जरा। नमस्कार, मैं दीपक मिठाणी वॉइस ऑफ माउंटेन से, और आज मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि टीडी डिस्ट्रिक्ट के बैंगना ब्लॉक के धोपरदार यहाँ पे नगर में एक काश्तकार, यहाँ पर हमारे बुजुर्ग दादाजी रहते हैं जो काफी लंबे समय से यहाँ पर इस प्रकार जो मोस्टा रिंगाल होती है उससे कुटीर उद्योग के रूप में उसको संचालित कर रहे हैं, और जिससे कि एक हमारे जो पहाड़ी उत्पाद है उनको प्रमोट किया जाए, क्योंकि लोगों को वो मार्केट नहीं मिल पाती, लोगों को वो प्रोडक्ट, अपना प्रोडक्ट विक्रय करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो आज आप लोगों को दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर ये काफी लंबे समय से इस प्रकार के उत्पाद रिंगाल, ये आप लोग रिंगाल को देख रहे होंगे, इससे काफी अच्छे छोटे छोटे ये टोकरियां, और ये जिनको गड़वारी में घीड़े कहा जाता है, और स्वेल्टे जो घरों में कृषि कार्य हेतु उपयुक्त होते हैं, तो ये आप लोग देख सकते हैं। और आप आगे की जानकारी के लिए इनसे जानेंगे या जो यहाँ पर लंबे समय से इस कार्य को बड़े अपने पहाड़ी उत्पादों को और पहाड़ी रिंगाल जो होती है उससे यहाँ पर काश्तकारी कर रहे हैं, तो इसे जानना चाहेंगे। बड़ा जी, आप लोगों की से और आप कितने टाइम में ये काम कर रहे हैं? 11 साल से ये काम कर रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि 11 साल से, लगभग 11 ईयर से इस काम कर रहे हैं, और ये एक इस समय लॉकडाउन चल रहा है और पूरे प्रवासी अपने घरों में है, तो इस बात को लेकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे उत्तराखंड में भी संसाधनों की कोई कमी नहीं है, बशर्ते कि उनको समझा जाए और उनका सदुपयोग किया जाए, उसको अमल में लाया जाए। तो जैसे इन्होंने बताया कि 11 साल से यहाँ पर ये इस काम को कर रहे हैं, तो अभी तक कन कन समस्या आपका बीच में आई? हमने अपनी समस्या 11 साल से पहले हमने जो हस्त कला चलाई, और हमने जो बेटी बुआरी को लेकर काम चाहिए, हमारी जिम्मेदारी इसमें चलते, गोबर डालने के लिए होते, रोटी रखने के लिए होते, लेकिन हमको सरकार से कोई इसके निवेदन नहीं मिले, कोई हम उपजन नहीं इस चीज का नहीं पाए। अभी भी तो इन्होंने बताया कि काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट द्वारा इनको कोई भी किसी प्रकार की भी आर्थिक सहायता नहीं जाती है, जबकि होना चाहिए ताकि गवर्नमेंट इस इनको प्रमोट करे, इनको आर्थिक सहायता दे, जिससे कि ये इस अपने इन पारंपरिक उद्योग को, क्योंकि रिंगाल को उत्तराखंड का पारंपरिक उद्योग कहा जाता है, ट्रेडिशनल इंडस्ट्री के रूप में इसको देखा जाता है, और इसके लिए एक ऐसा उद्यम है जिससे पहाड़ का जो बुजुर्ग है, पहाड़ के जो पारंपरिक लोग हैं, निरंतर काफी समय से इसको करते हैं, जो कृषि कार्य हेतु उपयुक्त होता है। मैं आपसे जानना चाहूँ कि ये जो आपने बढ़ाई क्या क्या काम होंगे? हाँ जी, हमारे जो ये कन्नी है, ये गोबर डालने के लिए हमारी बहुत बेटी के काम आते हैं, और स्वर्ग है ये घास काटने के लिए आते हैं, हमारी बचपन से पूर्व जन्म से ये हस्तकला है हमारी। तो इनका कहना है कि काफी पुराने समय से ये हस्तकला के रूप में इनको देख रहे हैं और इसको कर रहे हैं, तो ये एक प्रेरणादायक चीज भी है। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग इन चीजों को प्रमोट करें, इन चीजों के तहत
जो हमारे रिंगाल के जो हस्तकला की जो ये आप देख निशाने देख रहे होंगे, इनको खरीदें, क्योंकि हम आज प्लास्टिक के दौर में जी रहे हैं, प्लास्टिक की वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसे अपने पारंपरिक जो हमारे उत्तराखंड के जो भी हमारे लोग हैं, जो हमारे उत्तराखंड के पारंपरिक ये हस्तकलाएं जो जिस प्रकार से ये टोकरियां हैं या ये घीड़े हैं जिनको बोला जाता है, ये आप लोगों ने फूलदेही पर्व सुना होगा जिसमें फूलों को वहां ले जाया जाता है। तो आप सभी लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इनको प्रमोट करें और इस न्यूज को लाइक शेयर एंड कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दीपक मिठाणी वॉइस ऑफ माउंटेन से, कैमरामैन अंकित रावत और अतुल के साथ, थैंक यू सो मच। हमारा मकसद यही है कि अपने लोगों को रोजगार मिले, अपने लोगों की चीजें हम करें। जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी लोकल वोकल की बात करते हैं, तो उत्तराखंड का भी लोकल वोकल वही है जो वहां बनता था। बांस की चीजें बन रही हैं, टोपी है, गोबर की है, रिवाल से बन रही हैं, आप इन चीजों का उत्पाद कीजिए। आज हम जो खबर दिखा रहे हैं बिहरना के लोपरधार से, इन कारीगर से आप मंगा सकते हैं। आप वहां जा रहे हैं, वहां से कोई आ रहा है तो आप इनसे लीजिए, सस्ता भी है, अच्छा भी है। जय उत्तराखंड। आप देखना छो पहाड़ों की आवाज, गाँव की आवाज, घर घर की आवाज, पहाड़ों की सच्ची खबर देखना को हम प्रतिबद्ध छो। एक आवाज था आप सहयोग जरूरी छे। आप चैनल थी सब्सक्राइब करा, शेयर करा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिख, अपन ध्यान रखा और उत्तराखंड को अन्य खबरों का देखना खड़ा है हमारे वेबसाइट www.voiceofmountains.com पर देखा। धन्यवाद।